तीन मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समित चौहान, आदित्य अग्रवाल, राकेश बंसल, और सुपरफा फ्यूचर्स को शुरू कर रहे हैं। और आज की बेहतरीन 6 एफएनडो की कॉल समझते थे। और तीनों मेहमान हैं हमारे साथ, राकेश से शुरुआत करते हैं। राकेश, आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं? दो शेयर आपने बता दीजिए। देखिए, पहला बाय कॉल गेल पर रहेगा, जहां पर एक बड़े स्ट्रक्चर पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 409 पर स्टॉप लॉस 431 का लक्ष्य है। दूसरा बाय कॉल डीवीज लैब पर रहेगा, जहां फार्मा के अंदर मुझे लगता है एफएनओ स्पेस के अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 790 का स्टॉप लॉस, 954 का लक्ष्य। ठीक है, आज सुबह सुबह मिस्टर ठक्कर भी हमारे साथ जुड़े थे, जगदीश ठक्कर, वो भी कह रहे थे कि गेल एक अच्छा शेयर हो सकता है आज। राकेश ने भी टेक्निकली हमको बताया, तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिस्ट इस पे बुलिश है गेल पे। एक बार दिखाई वापस टारगेट, 431 का टारगेट है, 409 का स्टॉप लॉस है। और जो दूसरा शेयर है राकेश की तरफ से, वो डीवी स्लैब है, फार्मा में आपको ध्यान देना है, तो आप इस शेयर पे आके रुक जाइएगा। इसमें टारगेट है 954 का और स्टॉप लॉस है 790 का। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, डीप स्टॉप लॉस है, टारगेट भी ठीक ठाक दिया गया है, तो आप चाहें तो 10-20 रुपए, 30 रुपए अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी एडजस्ट करके देख सकते हैं। एक बार डीवी स्लैब 950 के ऊपर का टारगेट है। समित, आपके क्या एफएनओ टॉपिक्स हैं? देखिए, लास्ट एक डेढ़ वीक से हमें ना फार्मास्यूटिकल स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सन फार्मा जो हमने 475 के आसपास रिकमेंड किया था, अभी हमें लुपिन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे लास्ट 3-4 दिनों के इसके प्राइस एक्शन हो रही है, कल भी हमने देखा था कि अच्छा खासा ना ओपन इंटरेस्ट एडिशन इसमें था, तो हमें लगता है कि लुपिन में एक मोमेंटम हम एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। 1072 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस 992 का होगा। दूसरा जो बाय होगा हैवल्स, जो लास्ट एक दो वीक से हम रिकमेंड करते आए हैं, और स्टॉक का क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 510 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल उसने होल्ड करके रखा है, तो ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा और हमें लग रहा है कि ये रैली एटलीस्ट 530 तक हैवल्स में कंटिन्यू हो सकती है। सो अभी 504 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, आप हमको हेवल्स तो लगातार 500 के लेवल से ही बता रहे हैं, और अभी 530 का टारगेट है, कल भी 510 तक गया था ये शेयर, मतलब क्लोजिंग कल हमको 510 की मिली है, उसके ऊपर भी गया, 530 का टारगेट अभी भी आप रख सकते हैं। एक ल्यूपिन भी है, ध्यान रखिएगा इस शेयर पे, और 1072 डीसीबी बैंक भी है, ये भी समित की पहले भी एक बार कॉल रही है, उन्होंने फिर से इसको दिया है, 205 का टारगेट है। मैं आपके सामने रख देता हूँ टारगेट, 205 एंड 192 इज द स्टॉप लॉस। तो तीनों कॉल आप नोट कीजिएगा। लुपिन एक डिफेंसिव मिला है, राकेश की तरफ से डिवीस है, आप डीसीबी बैंक और हेवल्स, ये तीन कॉल्स हैं जो कि समित की तरफ से हैं। आदित्य अग्रवाल इस बीच में साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपकी तरफ से आज के शेयर कौन से हैं? पहला हमारा बैक कॉल रहेगा बीपीसीएल में। बीपीसीएल में देखें तो ओपीएस से लास्ट 3-4 दिन में काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, बट लोअर लेवल से 490-492 एक अच्छा सपोर्ट था, और वहीं से हमने कल के सेशन में एक अच्छा पुल बैक आते हुए देखा है, तो हमको लगता है यहाँ से वापस शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है बीपीसीएल में, और यहाँ से स्टॉक वापस 535-532 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो हम बीपीसीएल में बाय करने की सलाह देंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 490 एंड टारगेट ऑफ 530। सेकंड कॉल रहेगा आईआरबी इंफ्रा भी देखें तो काफी टाइम से स्टॉक एक रेंज में चल रहा था, 218-219 ओपनिंग लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसी तरह नीचे में देखें तो 208-209 पे सपोर्ट था। कल के सेशन में हमने देखा था कि लास्ट आधे घंटे में स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिली, स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, रेंज को ब्रेक किया, उसके ऊपर ही क्लोज किया, तो यहाँ पे हमको लगता है कि आईआरबी इंफ्रा शॉर्ट टर्म में 230 तक के लेवल से जा सकता है, इसके अंदर 217 के स्टॉप लॉस एक लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट किया सकती है। ठीक है, दोनों कॉल्स आपने रित्य की भी नोट की हैं, एक तो आईआरबी इंफ्रा नोट कीजिएगा, 230 का टारगेट है, और एक बीपीसीएल, ये दोनों थोड़ा फैंसी भी है मार्केट्स में आजकल, ट्रेडर्स के ऑल मार्केटिंग कंपनीज तो फैंसी बनी चुकी हैं, बीपीसीएल पे भी आप ध्यान रखिए, 530 तक का टारगेट है। अब ऑप्शंस के सौदे पर देख लेते हैं, और राकेश से जानते हैं राकेश का आज का ऑप्शंस का सौदा कौन सा है। राकेश, कोई शेयर है आपका ऑप्शंस के लिए? नहीं डिम्पी, ऑप्शंस में मेरे कोई नई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन राकेश के दोनों शेयर्स आप नोट करके रखिए, एक तो गेल है और एक डिविस लैब है, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, आईटी इंडेक्स आपकी आज लिस्ट में है, कुछ खास वजह राकेश? देखिए डिम्पी, आईटी इंडेक्स हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है, और मौजूदा स्तरों पर सिर्फ एकमात्र इंडेक्स जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं बाइंग करने के लिए, सेनेक्स आईटी इंडेक्स है, जहां मुझे लगता है एक बड़ी तेजी की शुरुआत होगी। ठीक है, 10,445 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए 10,900 के लक्ष्य हैं, और जिस तरीके से डिम्पी आईटी हैवी वेट्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है यहां पर एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है। अदिति, आपकी तरफ से आज का ऑप्शन?
आईसीसी बैंक का एक 295 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। आईसीसी बैंक का देखें तो काफी टाइम से स्टॉक को परफॉर्म नहीं किया है एंड ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। इसमें 295 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन कल के लास्ट हाफ एन आवर में देखें तो अच्छी बाइंग देखने को मिली थी और स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज दिया है। तो हमको लगता है कि इस एक्सपायरी में नेक्स्ट 4-5 डेज में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो में 304-305 तक के लेवल दिखा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हैं 295 का कॉल बाय करेंगे करंट लेवल्स पे जो कि 4.5 रुपये के आसपास चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 9 रुपये का और स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 2 रुपये का। ठीक है समीत, आपकी कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी है? जी हाँ, मैकडोवेल में रहेगी। जो लास्ट 3-4 महीने से हमारा एक प्रेफर्ड पिक रहा है 1900-1950 के लेवल से हम कंटिन्यूसली इसको रिकमेंड करते जा रहे हैं और अभी भी काफ़ी स्टॉक अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन के बाद 2-3 दिनों पहले हमने इसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा था, तो इसमें 2700 जो एट द मनी कॉल ऑप्शन काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। इसमें 60-55 के आसपास ये चल रहा है, इसमें बाइंग की जा सकती है। 26 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 130 का रहेगा। ठीक है, तो सारे के सारे ट्रेड्स आपने ऊपर नोट कर लिए होंगे। आप ध्यान रखिए, रिकमेंडेशंस हैं डिविस लैब पे, आप ल्यूपिन ध्यान रखिएगा फार्मा के अंदर, गेल इस पर ध्यान रखना आपको, और बीपीसीएल ऑयल एंड गैस से एक दूसरा शेयर होगा ध्यान रखने वाला, डीसीबी बैंक है इस पर आप फोकस हो सकते हैं, आईआरबी इंफ्रा है इस पर आप फोकस हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर 6-7 शेयर्स हैं जिन पर आज आपको ट्रेड लेना है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर रिटर्न कार्ड हम आपके सामने बता के आएंगे। शुक्रिया आदित्य आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, लेकिन राकेश और हमारे साथ बने रहेंगे, साथ ही समय से भी हम पूछेंगे कि इस समय कैसे ट्रेड ले सकता है। अच्छा एक बार ना आप ऑप्शंस के भी सौदे नोट कर लीजिए, अगर आप ज़्यादा रेंज में रहता है ना तो यूनाइटेड स्पिरिट्स है, एक समित की कॉल है 2700 की, आईसीआईसीआई बैंक 295 की कॉल है, और राकेश बंसल ने कहा कोई ऑप्शन का सौदा तो नहीं दिया, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक बार जल्दी से आज का टुडेज ट्रेड भी देख लेते हैं और उसके बाद हम फिर अभिषेक के पास चलेंगे और जानेंगे आज की कुछ फेस्टिवल वाली चीजें, लेकिन एक बात पहले आज का जरा टुडेज ट्रेड आपके सामने रखते हैं। सेंट गोबेन 56 का टारगेट होगा, 49 का एक स्टॉप लॉस। क्लास बनाने वाली कंपनीज पर आप ध्यान रखें क्योंकि 2-3 दिन से इसमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, 5 सत्रों से अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम है 67% का, प्रमोटर्स के पास भी अच्छी होल्डिंग है 75% की। ये कुछ टिपिकल चीज़ें जो फंडामेंटली देखी जाती हैं। मार्जिन्स ठीक हैं, 2.2% का इजाफा इनके मार्जिन्स में हमको देखने को मिला है और ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज इसको एक बुलिश कॉल की तरह ही देख रहे हैं। डेमा सभी के ऊपर आके चल रहा है तो आप इस पर ध्यान रखें, ऑलमोस्ट 57 तक का टारगेट इस शेयर पे रखा जा सकता है। सेंट गोबेन है आज का टुडेस ट्रेड। चलिए काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल गए हैं, पर जो शॉपोहॉलिक्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। काफ़ी सारे ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, उनकी फेस्टिव सीजन सेल शुरू हो गई है 20th से 3-4 दिन सारे ऑनलाइन रिटेलर्स अच्छे ऑफर्स लेके आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, वो हमें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभिषेक, सडनली ना डिलूज हो गया है, इतने सारी सेल्स, कहाँ अच्छी डील मिल रही है। मुझे लगता है काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा अच्छी डील ढूंढने में क्योंकि 3 प्लेटफॉर्म्स पे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। तो आपकी क्या सलाह है, आपने कुछ अट्रैक्टिव ढूंढ के लाए जो लोग यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग में? देखिए कंफ्यूजन तो ढेर सारा है, बट यहीं पर एक स्मार्ट शॉपर जो होता है वो अपना राह निकाल लेता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सेल्स जो चल रही हैं वो चल रही हैं लार्ज अप्लायंसेस और मोबाइल फोन्स के ऊपर। तो अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएं, उनकी सेल अभी शुरू हो चुकी है, अमेजन प्राइम की सेल, अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, नहीं तो आज रात 12 बजे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आप amazon.in से शॉपिंग करना चाहते हैं। पेटीएम मॉल, फ्लिपकार्ट अभी सेल चालू हो गई है। अगर हम पेटीएम पर जाएं तो यहाँ पर टीवी एंड अप्लायंसेस के ऊपर बहुत किलर डील्स मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस दिवाली, इस फेस्टिवल सीजन अपने लिए नया टीवी खरीदना चाहते हैं घर में, बड़ा सा फुल HD हाई डेफिनेशन वाला टीवी, तो आपको LG का टीवी 43 इंच का 41,000 रुपए में मिल जाएगा। मतलब 43 इंच फुल HD टीवी 41,000। सेम गोज विद स्मार्ट टीवी, अगर आप पैनासोनिक का स्मार्ट टीवी खरीदते हैं 43,000 का, तो फ्लिपकार्ट पर आपको
38,000 में ये टीवी मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम पर बहुत अच्छी स्मार्टफोन्स की डील्स मिल रही हैं। अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि नया आईफोन आईफोन 8 प्लस इस मंथ एंड तक आ जाएगा इंडियन मार्केट में, पर उसके साथ ही जो आईफोन 7 है उसकी कीमत बहुत कम हुई है, तो आईफोन 7 पेटीएम मॉल पर आपको आईफोन 7 32 GB 48,499। और अगर ज़्यादा बेहतर आपको डील चाहिए तो 54,779 में 128 GB का आईफोन 7 आप खरीद सकते हैं पेटीएम मॉल पे, और साथ में कैशबैक भी मिलेगा। और इनमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि डेबिट कार्ड के ऊपर EMI ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया। वैसे शुक्रिया आपको करना नहीं चाहते थे, आप इतनी शानदार डील्स बता रहे थे कि हमारी जो प्लानिंग नहीं थी ना, हम वो भी प्लान कर रहे थे, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन आपको हम अगले कार्यक्रम में भी जोड़ेंगे। कुछ और डील्स आप नोट करके रखिएगा।